Naran, one of the most attractive tourist destinations in Pakistan. Naran wo jagah hai jahan most of the tourists jo Punjab se aur Pakistan bhar se travel karte hain aur duniya bhar se jo log Pakistan mein northern areas ki taraf aate hain wo Naran zarur visit karte hain aur karna bhi chahiye kyunki ye jo spot hai ye Islamabad se takriban 7 ghante ki drive par aur jo log Lahore ya Peshawar se aate hain हजारा एक्सप्रेस वे के जरिए अब तो ये सफर और भी आसान हो चुका है। आप भी यहाँ जरूर विजिट करें और यहाँ स्टे करें, 2 या 3 दिन यहाँ पर स्पेंड करें और इसके गिर्दोनवा में जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उन्हें भी जरूर विजिट करें। सबसे बड़ी यहाँ जो अट्रैक्शन है वो है झील सैफुल मलूक। यानी आप नारान में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, जीप हायर करते हैं और तकरीबन 40 से 45 मिनट में आप दुनिया की खूबसूरत झील का नज़ारा करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम है तो इस वादी नरान के गिर्दोनवा में बहुत खूबसूरत एरियाज हैं, या इससे आगे निकलते हैं तो बटाकुंडी है, पुड़वई है, लुलुसर लेक है, एक बहुत ही खूबसूरत झील, इसको भी विजिट करें और इससे आगे बाबूसर टॉप जरूर जाएं। पाकिस्तान के ये नॉर्दर्न एरियाज दुनिया के खूबसूरत तरीन एरियाज में शुमार होते हैं और पाकिस्तान और दुनिया भर से जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो इन एरियाज को खूब इंजॉय करते हैं। और टिप ये है कि जब आप गर्म इलाकों से आएँ तो अपने लिए गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर्स और ख़ास तौर पर अगर बच्चे आपके साथ हैं उनकी केयर करें और उनके लिए जो है गर्म कपड़े ज़रूर साथ रखें। बेशक आपके इलाके में 40 या 50 टेम्परेचर चल रहा है लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये रात को मज़ीद डिक्रीज होकर तकरीबन 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा सकता है, तो बच्चों को ये टेम्परेचर एकदम बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो ये टिप है कि बच्चों के लिए और अपने लिए सेहत का ख्याल करें और उनके जो है गर्म कपड़े साथ रखें और इस सारे एनवायरनमेंट को एंजॉय करें। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश का कुछ पता नहीं होता, कभी भी स्टार्ट हो जाती है और कभी बंद हो जाती है, लेकिन बारिश की सूरत में यहाँ पर ठंड ज़्यादा हो जाती है। कुछ जो है रेनकोट्स ज़रूर रख लें, छतरियाँ रख लें, ज़रूर इंजॉय करें, ज़रूर आएँ। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। नारान से झील सैफुल मलूक वाला रोड शुरू में तो बेहतर लगता है लेकिन थोड़ी ही देर बाद रोड का नामो निशान तक ख़त्म हो जाता है और महज बड़े बड़े पत्थरों और कीचड़ पर मुश्तमिल एक इंतहाई ना हमवार सा रास्ता ही रह जाता है, जिस पर मुकामी जीपों या चंद 4x4 गाड़ियों के अलावा कोई गाड़ी चल भी नहीं सकती। यहाँ ये बात काबिले तवज्जो है कि झील सैफुल मलूक देखने के लिए सयाह अरसा दराज से यहाँ चले आ रहे हैं और हर आने वाले वक्त में इनकी तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है, लेकिन क्या वजह है कि ये चंद किलोमीटर का रोड बनकर ही नहीं दे रहा। इस मामले पर जब हमने चंद मुकामी लोगों से बात की तो पता चला कि ये मुकामी इंतजामिया और बहुत ही तगड़े जीप माफिया की एक मिलीभगत है जो दरअसल इस रोड के बनने में रुकावट है। जबकि जीप ड्राइवर हजरात से बात करने पर इस अमर की मजीद तस्दीक यूं हुई कि उनका कहना था कि रोड ना बनने में ही तो हमारा फायदा है और अगर रोड बन गया तो हमारा नुकसान होगा। हालांकि दरहकीकत ये रोड बनने से इस इलाके की सयाहत में बेपनाह इजाफा होगा और लोग जौक दर जौक यहाँ का रुख करेंगे। जी हाँ, ये है झील सैफुल मलूक, पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक। ये मनाजिर आपने सीनरीज में, कैलेंडर्स पर और वीडियोस में देखे होंगे, लेकिन यहाँ ये मनाजिर अब आपके सामने हैं। पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सीनरी और जो लोग सियाहत के गर्ज से नारान, कागान और नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ट्रेवल करते हैं, इस झील को देखना उनके लिए मस्ट है क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा जबरदस्त है। और दूसरा, ये जो सीनरी और लैंडस्केप है, आप इस खूबसूरत सी सीनरी में अपने आप को पाते हैं और बिलाशुबा ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज का एक खूबसूरत तरीन स्पॉट है और एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। झील के बिल्कुल सामने ये बाबा जी का जो है वो कावा स्टॉल है, ये देखें, और इतनी ठंड में गरम गरम ये कावा जिसको अभी हम थोड़ी देर में एंजॉय करने जा रहे हैं, इसमें ये देखें ये शहद डालते हैं। ये दो किस्म के शहद हैं, एक बड़ी मक्खी का, एक छोटी मक्खी का, एक अखरोट का, एक गिरी का है। ये देखें जनाब, तो ये झील के सामने इस तरह का जो है वो कावा पीना गरम गरम, जबकि आपको थोड़ी सर्दी भी लग रही हो। दो कप बनाए सर जी,
ये देखें नींबू भी डाल रहे हैं। तो ये जो है वो एक ख़ास ट्रेडिशन होता है इस पेशावरी कावे का, और ख़ास तौर पे इस तरह के एनवायरनमेंट में अगर ये आपको मिल जाए तो क्या ज़बरदस्त है। ये देखें ये झील सैफुल मलूक का एक छोटा सा बाज़ार है। यहाँ पे आपको जो है वो जब यहाँ पे आते हैं तो अनवा इकसाम की जो है वो चीज़ें आपको ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ें हर तरह की आपको मिलती हैं, और कुछ डेकोरेशन की भी हैं जो आप यादगार के तौर पे ले जा सकते हैं। तो इस हवाले से जो है ये ख़ासा जो है वो बिज़ी रहता है ये स्पॉट, और लोग यहाँ पर आते हैं इंजॉय करते हैं। तो जो लोग भी पाकिस्तान या बैरून ममालिक से नॉर्दर्न एरियाज को विजिट करें, कागान नरान आए, उनके लिए मस्ट है कि झील सैफुल मलूक को जरूर विजिट करें। यहाँ पे झील में आप बोटिंग भी कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ एक बोट हायर करें और पूरी झील की सैर करें और इंजॉय करें। एक बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है। आप अपने साथ खाने पकाने की चीजें लेकर आए, यहाँ बैठ कर खाएं या आप खुद कुकिंग करें, बेहतरीन एनवायरमेंट है। एक रिक्वेस्ट जरूर है कि जो लोग यहाँ पे खाने पकाने की चीजें लेकर आए या इस तरह की दूसरी चीजें लेकर आए तो वो उनके जो रैपर्स हैं वो जरूर अपने साथ लेकर जाएं। इस माहौल को जो है साफ सुथरा रखें, क्यों कि ये आपका ही एसेट है। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।